हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सबको अनुज की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 8, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से रेलवे स्टेशन, लक्की भाई और मंजू भाई छोड़ने जा रहे हैं। ठंड बहुत है, देखो शीशे पे पूरा कोहरा जमा हुआ है। यहाँ से तकरीबन कितना भाई यहाँ से दूर है रेलवे स्टेशन? 10-12 किलोमीटर है, और 10 मिनट रह गए ट्रेन अगर निकल गई तो फिर तो गया भाई मैच। फिर मंजू भाई को नहीं छोड़ूंगा, मादली भाई के स्टॉप से बैठेंगे फिर मेरे, हाँ पैदल मार्च करेंगे हम। अभी चलते हैं सीधा रेलवे स्टेशन, फिर मिलते हैं आपसे। ये है भाई श्रीनगर में इतनी ठंड, देखो और चाबी से बर्फ़ को उखेड़ा जा रहा है क्योंकि ठंड बहुत है। साफ ने थोड़ी जगह बनाई है देखने के लिए बस। चलो 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 10 मिनट भाई रह गए, 10 मिनट लेफ्ट है। तो फाइनली भाई अपनी टिकट वगैरह हमने कटवा ली, तो काफ़ी लंबी लाइन थी। एक तो सुबह से भाई कंघा वगैरह भी कुछ नहीं किया, और देखते गंगा शायद बैग में है या घर रह गया। बाकी अब वेट कर रहे हैं सभी मुसाफिर जाने वाले ट्रेन का, भी ट्रेन आने वाली 10 मिनट में। तो फाइनली गाइस आ गए ट्रेन के अंदर। तो गाइस अभी भी ट्रेन रुकी है, काफ़ी स्टॉप लेके जाती है क्योंकि छोटे छोटे स्टॉप हैं। बगल में एक ट्रेन दूसरी आके रुकी है, वो जा रही है बारामूला की तरफ। तो ये पहुँचेगी 12-1 बजे तकरीबन बनिहाल, वहाँ से देखते कौन सी गाड़ी मिलती है, टवेरा वगैरह मिल जाएगी छोटी। भाई यहाँ पे साथ साथ में रोड है, वहाँ पे आगे ट्रकों की लाइन जो कश्मीर जाने का वेट कर रहे हैं, और सॉरी जम्मू जाने का वेट कर रहे हैं। देख लीजिए कि आपको लाइन वेट ट्रकों की लास्ट नाका आने वाला, अब हमारा भी टनल आने वाला है, हम उसके बाद सीधा बनाल। और अभी बज रहे हैं 12, 3 घंटे से कंटिन्यू चल रहे हैं क्योंकि इस ट्रेन को स्टॉप बहुत लेने पड़ते हैं। काफ़ी हाइट से जा रही है भाई ब्रिज के ऊपर से ट्रेन। तो आ गया भाई बनिहाल वाला टनल, रेलवे टनल, फर्स्ट टाइम इस टनल में आए। पहले तो भाई अभी दूसरा जो गाड़ियों का टनल वो भी अभी बना है, पर काफ़ी पहले से है। आ गया भाई हम बनिहाल पहुंच गए, वो रही अपनी मेन रोड जहाँ से हम ट्रक पे जाते हैं। अभी जम्मू से श्रीनगर कानवाई जा रही है और ट्रक से जा रहे हैं अपना आने वाला। वो ऊपर पड़ चुकी है बर्फ़, पर अगला चक्कर आएँगे तो बर्फ़ हर जगह पड़ी होगी भाई, हम भी बर्फ़ पे ही होंगे। फाइनली भाई पहुंच चुके हम, तो यहाँ पे भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ी सब भी फुल होगी भाई, इतनी सवारी आई। कोई टेम्पो में जा रहा है, कोई तवेरा में, हम तो इस पे देखते हैं। बैक सीट मिली, सीट के सबसे किराया है, बैक वाला 550 बोल रहा है, आगे वाला 700, फ्रंट वाला 800, नहीं आगे वाला 800, फ्रंट वाला 900, क्या बोले इनको भाई यार। चलो ये आ गया बनिहाल रेलवे स्टेशन। तो ये आ गया रोड भाई, यहाँ से काटा गया पार जाने का, और वो पार से आ गई पुरानी रोड, पुरानी टनल वाली, ऊपर शैतानी नाले वाली। ऊपर देखो बर्फ़ भी पड़ गई है। इस तवेरा पे मिली सीट, अब उस पे कैंसिल हो गया, उस पे नहीं कोई सिस्टम बना। अब निकलते हैं यहाँ से, देखते कब तक पहुँचेंगे। तो फाइनली भाई पहुँच गए हम अपना चनैनी टोल के पास। तो पीछे भाई वीडियो नहीं बना सकते, लास्ट सीट मिली है वहाँ से, कई तरीके से भी एंगल से बन नहीं रहा कि कैमरे वीडियो आएगी। अब तो पहुँच गए टनल के पास, यहाँ पर रुके खाना खाने के लिए, पानी पी लें, टांगे सीधी कर लें। छोटी गाड़ी में बैठ के भी टांगे दर्द हो जाती हैं। अब ट्रक पे आदतें पड़ गई है, ट्रक पे आप खड़े रह सकते हैं, हिल सकते हैं, टांगे सीधी कर सकते हैं, छोटी गाड़ी पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो निकलते हैं, शायद 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। भाई ये आगे पत्नीटॉप वाली पहाड़ी, वो पार से एक ट्रक आ रहा है, वो पुरानी रोड है पत्नीटॉप से होकर निकलती है, अब तो टनल बन चुका है। ये सामने टनल है, बस 100-200 मीटर सारा रह गया। तो भाई हालत ही पूरी टाइट हो चुकी है यार, क्या ही बोले। और अभी खाना खाने रुकी है, पर मैं खाना नहीं खा रहा हूँ क्योंकि यार तबीयत नहीं ठीक है, तो आपको पता पेट भी ख़राब भी है। तो पहले जाके जम्मू अच्छे से दवाई वगैरह लेंगे, उसके बाद ही तो शाम को जाके खाना खाएंगे एक ही बार। तो फाइनली भाई गाइस बज रहे 5:30 और पहुँच गए हम जम्मू बस स्टैंड पर। तो बस अब भाई का वेट कर रहा हूँ, भाई भी आ रहा है। पहले मैंने सोचा था भाई के रूम में रुकें, और भाई कहता घर ही चलते हैं, तो घर पर कॉल की मैं खाना वगैरह बना देना, तो हम घर ही आ रहे हैं सीधा। अब निकलते हैं सीधा घर ही। तो भाई आज का ब्लॉग इतना लंबा हो नहीं पा रहा, यहाँ से वहाँ से उतरे, यहाँ से हमको टेम्पो मिल गया, भाई भी आ गया, और यहाँ से टेम्पो बैठ के यहाँ से निकल गए। और सुबह से कुछ नहीं खाया, दिन को आपके सामने कुछ खाया नहीं था, और अभी भी कुछ नहीं। यहाँ पर सोचा था कुलचा वगैरह खाऊंगा, पर नहीं टाइम ही नहीं मिल पाया। यहाँ से गाड़ी निकल गई है, तो हमारे यहाँ भी 7 बजे का गाड़ी मिलना मुश्किल हो जाती है, तो अभी मिल गई एक। और क्योंकि कोई निशारा यार, ये कोई सुंदरबनी अपने वहाँ की गाड़ी मिल गई चलो। तो भाई उतर गया अपने स्टॉप पर टेम्पो से, तो भाई गया है वो लेने के लिए, बाइक लेने के लिए, दोस्त के घर खड़ी थी।
वो छोटे छोटे अपने दोस्त उनके घर बाइक लेके फिर सीधा घर जाएंगे, बाकी सबसे सुबह मिलेंगे। ले आया भाई बाइक, और बाइक चलाने पे अलग ही मजा है, अपनी बाइक जिसपे स्टार्टिंग में सीखा हो और अपने गांव की गलियां, भाई क्या ही फीलिंग आती है घर जाने की, खुशी अलग ही होती है। रास्ता भाई वैसे का वैसे सब बदल गया, पर हमारा रास्ता पता नहीं कब ठीक होगा, इतना बड़ा बड़ा पत्थर है। चलते हैं घर भाई, तब मिलते हैं सबसे, आपसे वापस करते हैं बात, और अभी भूख बहुत लग रही है। तो भाई पहुंचे अभी भी घर, सबसे मिल लिया, कपड़े वगैरह खोले अपने, तो अपना कोई पुराना बेड यहाँ पे पूरी लाइफ से स्टार्टिंग से सो रहे हैं, अपना रूम अलग की कसम से ना, एक अलग सी फील आती है अपने घर पे आने का के। तो बस मम्मा डाल रहे हैं खाना, मैंने बोला जल्दी जल्दी डालो या फिर करते हैं आराम से बैठ के बातें। और राजस्थान वाले भाई ने मूंगफली भेजी भाई कम से कम 15 kg, तो मैंने घर वालों को बोला मैं रख लो, पूरी सर्दी आपको काम है, ज़्यादा मत खाना बीमार हो जाओगे। तो बस देखते हैं खाने में क्या बना, आई थिंक चिकन ही बना होगा, अपने घर पर ज़्यादा बनता थोड़ा। तो मुझे लोग कमेंट करते हैं आप चिकन भी खाते हो भाई, अब स्टार्टिंग से खा रहे हैं तो हैबिट है, तो अब भाई मेरा हक नहीं बनता कि पापा को मना करना क्या मत खाओ, क्योंकि वो स्टार्टिंग से खा रहे हैं और मैं भी खिला रहे हैं। तो भाई देखो अपने जो देसी मुर्गी हैं, तो पोल्ट्री फार्म अपना छोटा सा, उसके एग्स हैं मुर्गियों के। तो भाई खाना पीना हो गया भाई, सच में खाने का शॉर्ट लेने का ध्यान भी नहीं रहा, इतनी भूख लगी थी। तो मतलब देखो पेरेंट्स पेरेंट्स होते हो, मम्मी पापा वेट करते, उन्होंने खाना नहीं खाया था, वो खाना खाने लगे, हमने खा लिया। तो करेंगे थोड़ी देर बातें और उसके बाद सो जाएंगे आराम से, सोएंगे नहीं पहले वीडियो एडिट करेंगे, थंबनेल वगैरह बनाएंगे, क्योंकि सुबह यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धुंध पड़ती है, 10-11 बजे तो सुबह होती नहीं है, फिर भी हम जल्दी उठेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे घर में नेटवर्क थोड़ा कम है, तो मुझे जल्दी उठ के कहीं आगे पीछे निकलना पड़ता है, 1-2 किलोमीटर पैदल ही चलेंगे, तो क्योंकि वीडियो अपलोड के लिए, वीडियो अपलोड होगी तो आप देख पाओगे। बाकी देखते हैं क्या करते हैं, शादी के लिए थोड़े कपड़े भी लेने, जो भी रहेगा तो बताएंगे भाई। तो मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग पर, कल का ब्लॉग तो मुझे भी नहीं पता भाई किस टॉपिक पे रहने वाला है, फिलहाल तो है मेरा दोस्त है वो गाड़ी, शायद वो आएगा 1-2 दिन तक आएगा। देखते हैं कल मार्केट वगैरह जाएंगे, थोड़ा सामान वगैरह लेंगे, जैसे ये वाला कपड़ा था ना गर्म लाना, ऐसे मेरे को लेने एक इस कलर में, एक ब्लैक कलर में, 2-3 कलर में लेने, तो जाएंगे मार्केट। जो मेरे से छोटा भाई है वो भी गया हुआ एक फंक्शन, क्योंकि फोटोग्राफर का काम करता है, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो वो भी गया, वो भी नहीं मिला, वो भी मार्केट वाली तरफ ही गया, तो सुबह अगर मैं गया तो मैं तो वो वापस हैम मतलब इकट्ठे आ जाएंगे। तो मिलते हैं भाई एक अनदर ब्लॉग पर, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन में दबाएं। भाई देखो अपना ही लगा कुछ नहीं, फ़ोन चार्जिंग पे लगाने पे जल्दी जल्दी, आज मैंने फ़ोन बिल्कुल कम यूज़ किया क्योंकि पावर बैंक भाई के पास रह गया। तो मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग पर। तो भाई एक और थोड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था, ब्लॉग एंड कर दिया, पर उसके बाद मैं मैसेज डाल रहा हूँ थोड़ा सा। कल जो जो भाइयों ने ये ब्लॉग यहाँ तक देख लिया मतलब पूरा ब्लॉग, तो वो ये क्वेश्चन सुन सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जल्दी एक क्यों इन्हें वीडियो आ जाएगी, कोशिश करूँगा मैं कल ही डाल दूँ, जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं आपके नाम के साथ डाल दूंगा, आपका आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। जो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आएंगे उनके मैं कमेंट्स पिक करूँगा, जिसने कोई क्वेश्चन पूछा होगा, तो भाई जिनके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, जरूर पूछें, मैं जरूर जरूर उनका आंसर दूंगा, जल्दी क्यों इन्हें वीडियो लेके आऊँगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स जो आएंगे उन कमेंट्स पर।